ऑटो चालक यूनियन के द्वारा आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन रखा गया। इस हड़ताल का आयोजन केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन के खिलाफ था। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस संशोधन के द्वारा कई ऐसे सारे कानून को जोड़ दिया गया है जिसके चलते बाहरी कंपनियां ऑटो चालक यूनियन के कार्यों में दखल देने लगी है। वही इसके चलते इनका भी ठेकाकरण होता जा रहा है। वही इस कानून को जल्द से जल्द बदलने की मांग भी हड़ताल प्रदर्शन के दौरान की गई। ऑटो चालक यूनियन एटक के द्वारा आज जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसके समर्थन में और हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो केंद्र सरकार दिल्ली की जो सरकार उसने जो संशोधन किया है उसमें बहुत सारे ऐसे कानून परिवर्तन लेके आ रहे हैं जिसमें बीमा पे और जो फिटनेस है तमाम प्रकार की जो दंडात्मक जो कार्रवाइयाँ रहती हैं उसमें उस पर राशि बढ़ाई गई है इसके खिलाफ और जो और भी तमाम उसमें जो ट्रांसपोर्ट कानून में ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं जिसमें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां तक आज हमारे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में घुसपैठ कर रही हैं जिसमें ओवेर और तमाम जैसी जो कंपनियां हैं जो हमारे जो लघु जो ट्रांसपोर्ट उद्योग है उसको ख़त्म करने की सरकार साजिश रह चाहिए। इन जनविरोधी कानूनों के खिलाफ हम ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में आज ये हमारा ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय के नाम आज यहाँ जिला प्रशासन को देने के लिए आए हुए हैं हमारी ऑटो चालक यूनियन एटक की तरफ से।